बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं कि एक मशवरा है बच्चियों के लिए, अगर वो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, उनकी च्वाइस है। नहीं नहीं कोई हमने मतलब ये हम कोई इस तरह फैसला इम्पोज़ नहीं कर रहे, बल्कि हमने एक उनको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप जब घर से आएँ तो इस तरह का आप अबाया पहने या आप चादर पहने या जो भी, लेकिन अपने आप को कवर रखें। जो हमारे मौजूदा जो सूरत हाल है, सब जब आप कह रहे हैं कि अपने आप को कवर्ड रखें तो फिर शक पैदा हो रहा है, कोई स्कूल कोई कार्रवाई तो नहीं करेगा अगर कोई बच्ची अपनी च्वाइस के तहत, उसके वालदैन च्वाइस एक्सरसाइज करते हैं तो कोई एक्शन तो नहीं होगा बच्चियों के खिलाफ, छोटी बच्चियाँ? कोई इस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, और ये हमने उनके उन पर छोड़ा हुआ है कि वो जो भी पहनना चाहे, और वो हमने अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो हमने उसको स्लैश दिए हुआ है कि अबाया या बुरका या चादर जो भी हो, लेकिन अपने आप को कवर रखें। देखें अब अपने आप को कवर रखें तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि अगर वो ना चाहें तो ना रखें, छोटी बच्चियाँ हैं। और मैं फिर साथ में ये भी जानना चाह रहा हूँ कि साहिल है वो बाकायदा तौर पर बच्चों के साथ जो हरासमेंट के केसेज होते हैं, उनके साथ ज़्यादती के वाक़ात होते हैं, उनका डेटा उनके पास मौजूद होता है साहिल तंजीम के पास। 1177 वाकयात हैं जो बच्चियों के साथ हुए, 1150 वाकयात हैं जो लड़कों के साथ हुए हैरेसमेंट के, जिनसी हिरासानी के, तकरीबन बराबर के ये वाकयात हैं। तो लड़कियों का तो आपने कह दिया कि वो अबाया से अपने आप को ढक के रखें, और इतने ही वाकयात लड़कों के साथ होते हैं, वो अपने आप को किससे ढक के रखें? नहीं देखें शाहजेब, हमने ये फैसले तमाम अपने डीओस को बुला के हमने उनको बताया, मेल भी थे उसमें, हमने फीमेल भी थे, और उनको हमने ये कहा था कि हमने अपने बच्चे बच्चियों को किस तरीके से हमने इनको प्रोटेक्शन देनी है, तो हमने वो डिसीजन लेने हैं। तो ये चूँकि डीओ फीमेल जो हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं तो उन्होंने इब्तिदा की है, और हम देख रहे हैं कि हमने बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके लिए भी हम अलग सा हम सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं माशरे में मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हो रहे थे, वो बच्चियों के साथ भी हो रहे थे, वो बच्चों के साथ भी हो रहे थे। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम किस तरह अपने बच्चे बच्चियों को प्रोटेक्शन देते हैं। स्कूलों में तो हमने मुख्तलिफ किस्म के अब वहाँ पर कुछ सख्तियाँ करके वहाँ तो अब स्कूलों में सब, अगर अगर बच्चों के साथ भी हो रहे हैं तो फिर बताइएगा ना, अगर आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वाकयात का ताल्लुक बच्चियों के कपड़ों से है, तो फिर बच्चों के भी कपड़ों से है, अगर है तो फिर उनके वो क्या पहने, इसके ऊपर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, उन्हें आपने नहीं बचाना है, अगर बच्चियों को भी बचाना है बराबर के वाकयात हुए? नहीं नहीं कपड़ों से नहीं, देखें एक तो हर चीज़ को असल में हम हर चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं, नहीं है ये कि हमने तमाम डीओस को बुलाया था मेल और फीमेल को, और हमने मैंने यही कहा कि अब उसमें फीमेल ऑफिस ने इब्तिदा की है, मतलब इनिशिएट पहले उन्होंने किया है, तो साथ साथ पूरे सूबे में नोटिफिकेशन होंगे, और सारा मेल साइड पर भी जो हमने उनको हिदायत दी हैं, देखें हमने उनको कहा है कि आप लोग देखें कि किस तरीके से हम अपने बच्चे बच्चियों को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसमें शाहजेब एक हमने ये भी किया है कि हमने जो फीमेल ऑफिस स्कूल हैं वहाँ पर हमने लोकल पुलिस है उनसे भी हमने हेल्प ली, और वहाँ पर हमने बार बार जिक्र बच्चे और बच्चियों का कर रहे हैं, मगर नोटिफिकेशन सिर्फ बच्चियों का आपके तरफ से कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ज्यादती का ताल्लुक बच्चियों के लिबास से है या बच्चों के लिबास से है, तो फिर उनके लड़कों के भी लिबास का तायुन कीजिए। आप अगर बच्चियों को लड़कियों को पाबंद कर रहे हैं कि आप यह पहनेंगी, तो लड़कों को भी पाबंद कीजिए कि आप भी यह पहनेंगे, क्योंकि आपके साथ ज्यादती होती है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये नोटिफिकेशन कल का नोटिफिकेशन हुआ है, तो साथ साथ अब जो मेल साइड पर भी जो उन्होंने जो प्लान किया होगा, तो मेल साइड पर भी शायद इस तरह के हम कहें तो कल नोटिफिकेशन हुआ है, तो पूरी रिसर्च तो आपने की होगी ना, बच्चों की आपने हिफाजत करनी है, तो फिर लड़कों के लिए क्या रिसर्च किया है आपने, वो किस किस्म के कपड़े पहना करें, क्या ढक्कर आया करें, क्या क्या करें, वो आपकी रिसर्च के नतीजे क्या है? देखें देखें यहाँ पर आप मेरी बात सुन लें, देखें बच्चे और बच्चियों में फ़र्क आप महसूस करें ना, बच्चियों का है तो बच्चियों को हमने पहले बच्चियों पर हमने तवज्जो देनी है, हमने जाहिर बात है कि अब हम सूबे में हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चियों की तालीम पर बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, हमने जैसे बजट में भी हमने 70 और 30 की हमने रेशो रखी हुई है, तो ज़्यादा फोकस हम अपने बच्चियों की तरफ दे रहे हैं।